जी हिंद दोस्तों, मैं आपका आप ही की यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं वो एक ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को वीडियो बना के डाल रखा है, बट कुछ क्वेरी है, कुछ लोगों के ऐसे क्वेश्चंस है जो मेरी समझ के बाहर है। लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है और उन्हें यही मालूम नहीं पड़ रहा कि हमें एंट्री कब लेनी है और एग्जिट कब लेनी है। उन्हें ये डाउट है कि हमें प्रॉफिट कब बुक करना है और हमें लॉस कब बुक करना है। इस वीडियो के अंदर मैंने अपना पूरा एफर्ट लगाया है कि आपको ए से लेके जेड तक सब कुछ ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बिल्कुल क्लियर क्लियर बताने की कोशिश की है। अगर ये वीडियो आपको आपके ट्रेडिंग सेटअप के अंदर, आपके ट्रेडिंग लाइफ के अंदर हेल्प करता है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करना। जिनका लॉस हो रहा है उनके साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे आने वाले टाइम में मैं और बेहतरीन वीडियो बना सकूँ। एक और बात मैं आपको कहना चाहता हूँ दोस्तों, आपको किसी एक स्ट्रेटजी के ऊपर रुकना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं है आज बंदर की तरह एक पेड़ पे, वहाँ पे आम खट्टे हैं तो दूसरे पेड़ पे, उससे नहीं होगा। कोई एक स्ट्रेटजी के ऊपर तो आपको काम करना पड़ेगा, उसमें आपको महारत हासिल करनी पड़ेगी, एक्सपर्ट होना पड़ेगा। जब तक आप किसी स्ट्रेटजी के अंदर एक्सपर्ट नहीं होगे, अपने एफर्ट्स नहीं लगाओगे, अपनी कोशिश नहीं करोगे, लाइव मार्केट के अंदर वो कैसे काम करती है उसको समझोगे नहीं, आपको प्रॉफिट कभी होगा ही नहीं। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, कभी प्रॉफिट नहीं होगा। जितनी स्ट्रेटजीज मैंने डाली है यूट्यूब पर, लोग जो जितने स्ट्रेटजी डालते हैं काम सारी करती है। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई अलग से डाली है या मैंने कोई अलग से इम्प्लीमेंट किया है। मैं हाँ ये चैलेंज करता हूँ कि पिछले 4 साल से इसी स्ट्रेटजी के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ और परफेक्ट रिजल्ट है। मैं जो लेवल देता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी के, आपको पता है वो परफेक्ट वैसे ही मैच खाते हैं जैसे अब मैं देता हूँ, वैसे ही मार्केट वैसे हैंडल करता है। तो प्लीज़, अगर आपको लाइफ में पैसा कमाना है, लाइफ में अगर आपको जो लॉस है वो कवर करना है, तो आपको किसी एक स्ट्रेटजी के ऊपर काम करना ही पड़ेगा। आप वीडियो को देखिए, एक बार देखिए, दो बार देखिए, तीन बार देखिए, उसको मार्केट में देखिए। मैं तो यहाँ तक बोल रहा हूँ कि आपको लाइव मार्केट में हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। आप लाइव मार्केट देखिए, आपको समझ नहीं आता आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए। टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक दे रखा है, उसके ऊपर मैं जो आपको बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन दे रहा हूँ उस पर आप प्रॉफिट कमा के देख लीजिए। जब तक आप कोशिश नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। स्पून फिटिंग नहीं हो सकती। बच्चे को चलना माँ सिखा सकती है, मगर कब, जब बच्चा कदम उठाने के लिए तैयार हो। मैं आपको स्ट्रेटजीज बेस्ट से बेस्ट दे सकता हूँ, अच्छी से अच्छी स्ट्रेटजीज बताऊँगा, मेरा बताने का कोई फायदा नहीं जब तक आप उस पर खुद कोशिश नहीं करोगे। तो इसी आशा के साथ कि ये आज जो मैं स्ट्रेटजी दे रहा हूँ इसके ऊपर आप लाइव मार्केट में हफ्ता भर देखोगे क्या काम करता है। अगर आपको कोई दिक्कत है आप मुझे व्हाट्सअप करो, टेलीग्राम करो, मैं 100% रिप्लाई दूंगा। कमेंट करो और आने वाले टाइम में इससे भी बेस्ट स्ट्रेटजीज लाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों स्लाइड शुरू करते हैं। सबसे पहले वेलकम आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस YouTube चैनल के अंदर जितने भी वीडियोस मैं डाल रहा हूँ वो मेरे ये जो स्टडीज डाल रहा हूँ, जो लेवल्स डाल रहा हूँ, वो उन पे मैंने खुद ने काम किया है और हमेशा यही कोशिश है कि उन पे आप लोगों का प्रॉफिट हो। तो प्लीज़ बात को समझना और अगर आपको लगता है कि हाँ यूजेबल है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना। देखिए इसमें, इस स्ट्रेटजी के ऊपर मैंने ऑलरेडी पहले एक वीडियो डाल रखा है, कुछ लोगों के बहुत सारी क्वेरीज थी इसलिए मैंने फिर से डाल रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर एक मतलब सर का ये कमेंट भी था कि मुझे HDFC के लेवल बताइए, तो मैंने इस वीडियो के अंदर मैं वो भी आपको बता दूंगा कि HDFC अभी कहाँ पे खड़ा है और क्या होने वाला है। देखिए व्हाट्सअप नंबर मैंने दे रखे हैं, प्लीज़ इस पर कॉन्टैक्ट करना, प्रैक्टिस करना। कोई दिक्कत होती है, प्रॉफिट 100% होगा, लॉस रोकना सीख लो। फिर बोल रहा हूँ, प्रॉफिट 100% होगा, अपना लॉस रोकना सीख लो कि लॉस कब रोकते हैं, कैसे रोकते हैं वो सीख लो। प्रॉफिट तो इतना आएगा कि आप बोलोगे यार इतना ही था कि प्रॉफिट कमाना शेयर मार्केट में, हमको तो पता ही नहीं था। आप, मैं बोल रहा हूँ उतना कर लो, बस अपने लॉस को रोकने की प्रैक्टिस है। जो आप गलतियाँ कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप कोई महान गलतियाँ कर रहे हो, ये वही गलतियाँ जो कोई टाइम में मैंने भी की होगी, ये वही गलतियाँ जो इससे पहले जो जितने भी ट्रेडर हैं उन्होंने की होगी। बस उन गलतियों को सुधारो, उन एरर को हटाओ, परफेक्ट ट्रेडर बन जाओगे। ट्रेडिंग बहुत ईजी है, लोग जितना घुमा घुमा के आपको जलेबी की तरह बता रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। ट्रेडिंग बहुत ईजी है, बस कोई भी एक स्ट्रेटजी को पकड़ो, उस पर काम करो। जो आप, मैं बोल रहा हूँ आपको 100% हेल्प करूँगा, आप पूछो और काम करके देखो, आपका ट्रेडिंग करने का जो मेंटेलिटी वो चेंज हो जाएगी। तो चलिए आगे चलते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने दे रखा है, उस पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल के अंदर लाइव मार्केट के अंदर मैं आपको कुछ कॉल और कुछ रिकमेंडेशन दूंगा, बाइंग और सेलिंग की जो भी है उस पर काम करके आप प्रॉफिट कमा सकते हो।
बैंक निफ्टी में जो मैं लेवल दे रहा हूँ उसके ऊपर काम करके आप प्रॉफिट कमा सकते हो। अगर आपको लगता है कि बैंक निफ्टी में जो मैं लेवल दे रहा हूँ उस ऊपर कैसे काम करते हैं आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं 100% उसके ऊपर टाइम मिलते ही एक अच्छा सा वीडियो डाल के आप लोगों की हेल्प पक्का करूँगा। अभी हम बात करते हैं YouTube के ऊपर वीडियो बनाने के लिए आपको पता है कि डिस्क्लेमर देना जरूरी है। तो ये जो वीडियो है ये एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है और इसमें किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। देखिए स्ट्रेटजी का नाम ऑप्शन की ट्रेनिंग का मतलब एक ये रेंज होती है, इस रेंज को कैसे हम करें, इसमें हम छह चीज़ों का ध्यान रखते हैं। नंबर एक, हम क्या करेंगे, लोगों को ये नहीं ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं मगर लोगों को ये नहीं पता कि ऑप्शन ट्रेडिंग में चार्ट कौन सा देखते हैं, कितने टाइम फ्रेम का देखते हैं। तो पहले बेसिक तो क्लियर करो, उसके बाद करो, पैसा आएगा। बट आप क्या है, सीधा एक से दूसरा, दूसरे तीसरे ऐसे जंप करने से पैसा कभी नहीं आएगा। तो मैं बता दूं, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर जो चार्ट देखते हैं वो 15 मिनट का देखते हैं, ट्रेडिंग करते हैं वो 5 मिनट में करते हैं, ठीक है। दूसरा, 5 मिनट की कैंडल अगर ओपन इज इक्वल टू हाई है तो हमारा पहला जो सेटअप का जो पहला रूल है वो हमारा मैच कर दिया जाता है। दूसरा, तीसरा वीवैप को हम देखते हैं, पीओसी क्या होता है, पीओसी के बारे में मैं लगा के बता दूंगा, पीओसी कहाँ से लगता है और कैसे काम करता है। पीओसी इतना परफेक्ट काम करता है कि आपकी आंखें खुल जाएगी। आप पूरा वीडियो देखना, पीओसी को मैंने कहाँ से लगाया और पीओसी कैसे काम करता है। आप बोलो कि पीओसी आप करके देखना, आपको मजा आ जाएगा पीओसी का यूज़ करें। सुपर टेन का यूज़ करना है, सुपर टेन और वीवैप के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखा है, जाइए उस स्ट्रेटजी को देखिए और यूज़ करके देखिए, आपका लॉस रुक जाएगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ। फिर 15 मिनट का जो कैंडल का ब्रेकआउट है उसका हम वेट करेंगे। ये सारी चीज़ें मैं आपको चार्ट के ऊपर लगा के और करके दिखाऊंगा। इस लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। एक बात याद रखना, स्क्रिप करके देखना, स्पीड को बढ़ा के देखना, कुछ नहीं होगा, आपका जो लॉस हो रहा है ना वो कंटिन्यू रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपका स्क्रिप करने देखने से मेरा कुछ लॉस है, मेरा कुछ भी लॉस नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा मेरा क्या होगा, व्यू कम आ जाएगा, बट लॉस आपका हो जाएगा। आप पूरी बात सुनोगे नहीं, फिर चले जाओगे, फिर लॉस होगा, फिर मुझे आप कमेंट करोगे, फिर कहीं और चले जाओगे, उसका भी वीडियो वैसे ही देखोगे और आप लॉस जो है वो बढ़ता 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 एक दिन ऐसा हो जाएगा कि आप क्या बोलोगे, शेयर मार्केट है, गेमलिंग है, ये इसमें तो लॉस ही होता है, प्रॉफिट होता ही नहीं है। एग्जैक्टली ऐसा है नहीं, क्यों, आपने कोशिश ही नहीं की। आप अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप नहीं, कोई भी नहीं करता है इस संसार में। हर एक इंसान ये सोचता है कि मैं सही हूँ, अगले वाला गलत है। आप अपनी गलती निकालना सीख लो, प्रॉफिट 100% होगा। आगे चलते हैं, रूल क्या है, देखिए 5 मिनट का कैंडल का टाइम फ्रेम में रखना है हमें ट्रेडिंग करने के लिए। जब पहली कैंडल ओपन इज इक्वल टू हाई होती है या ओपन इज इक्वल टू लो होती है उसको आइडेंटिफाई करना है। ये आपको जो ये बता रहा हूँ, सेटअप बता रहा हूँ, ये आपको एक हफ्ते में 3 बार मिलेगा, 100% मिलेगा, और जिस दिन मिलेगा उस दिन आप बहुत बड़ा पैसा बना के देगा आपको। और क्या करना है, वो जो कैंडल है, जो पहली कैंडल बन रही है ओपन इज इक्वल टू हाई है, उसको क्या करना है, अगली कैंडल अगर उसका मान लीजिए अगर ओपन इज इक्वल टू हाई है तो इसका मतलब इससे ऊपर वो जाना नहीं चाह रहा, तो हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ अगर उसका पहली कैंडल का लो तोड़ता है तो हम एंट्री लेंगे। मैं आपको करके दिखाऊंगा, चिंता मत करिए, वीडियो बने रहिए बस। और क्या है, एक्यूरेसी के लिए हम क्या करेंगे, 15 मिनट का चार्ट भी साथ में देखेंगे, ठीक है। जितने भी रूल है उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, लिख लीजिए, देखना मैं कैसे लगाता हूँ, देखना मैं कैसे ट्रेड करता हूँ। और मैं लाइव, अगर आप लोग चाहते हो मैं लाइव मार्केट में आके दिखाऊँ, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, मैं लाइव मार्केट में आके भी आप लोगों को दिखा सकता हूँ। बट उसके लिए मुझे कम से कम वहाँ 50 या 100 लोग तो होने चाहिए, 2 लोगों के लिए मैं लाइव मार्केट में आके क्या दिखाऊंगा उन्हें। इसलिए अगर आप लोग चाहते हो मैं रील में लाइव मार्केट में आके आपको दिखाऊं, 100 लोगों ने जिस दिन लाइक कर दिया, 100 लोगों ने जिस दिन कमेंट कर दिया, मैं 100% लाइव मार्केट आके दिखाऊंगा आपको, ट्रेडिंग भी करूंगा और आपको प्रॉफिट भी करूंगा। चलिए आगे चलते हैं, पहले मैं बता देता हूँ कैंडल क्या है। ये कैंडल है, कैंडल अंदर चार चीज़ होती है, हाई, लो, क्लोज और ओपन। देख लीजिए कैंडल ग्रीन कब बनती है, जब क्या होता है ओपन से जहाँ ओपन हुई वहाँ उससे अगर ऊपर क्लोजिंग देगा तो कैंडल ग्रीन बनेगी, अगर ओपन जहाँ पर हुआ है वहाँ से नीचे क्लोजिंग देता है तो कैंडल रेड बनती है। अभी हम आगे चलते हैं, एंट्री और एग्जिट हमें कब लेनी है। अगर हमारे रूल फिलफिल हो रहे तो हम एंट्री और एग्जिट लेंगे, अगर हमारे रूल फिलफिल नहीं हो रहे तो हम किसी भी कंडीशन में एंट्री और एग्जिट नहीं लेंगे। एक दिन ट्रेडिंग नहीं करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जिस दिन भी हमको सेटअप मिलेगा, अच्छा सेटअप मिलेगा उस दिन करेंगे, और उस दिन में ही हम घर चाहे 1 रुपये लेके जाएं, पर आप अपने आप से वादा करो कि मैं घर पैसे लेके जाऊंगा, मार्केट को देख के कुछ नहीं जाऊंगा। धीरे धीरे ऑटोमेटिक वो आपकी जो हैबिट पड़ जाएगी, और एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन आप बड़ी बड़ी अमाउंट अपने घर लेके जाओगे। ये प्रैक्टिस आपने करनी है,
मेंटेलिटी आपने तैयार करनी है, स्ट्रेटेजी मैं दे सकता हूँ, काम उस पर आपने ही करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को ये लगता है कि वीडियो नॉलेजेबल है, एक तरफ से आपको हेल्प मिल रही है, आपका लॉस रुक रहा है, प्रॉफिट आपको हो रहा है, तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। उन लोगों को भी मालूम पड़े जिनका लॉस हो रहा है, जो आज यहाँ कल वहाँ जाते थे बट वो अपना लॉस नहीं रोक पा रहे, उन लोगों की हेल्प हो जाएगी, आप लोगों को दुआ मिल जाएगी। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अभी दोस्तों बात करते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है, ये आप लोगों के लिए ही है, हेल्प मांगिए, 100% हेल्प करूँगा। टेलीग्राम चैनल मैंने खोला है, लिंक इसके नीचे दे दूँगा, उसके ऊपर मैं कुछ आपको रिकमेंडेशन दूंगा, उसमें भी काम करके आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। अभी हम करते हैं चार्ट पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि चार्ट को रीडिंग करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग व्यू का ही यूज़ करना है। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, चार्ट को रीड करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग व्यू का ही यूज़ करना है। कारण क्या है मैं आपको बता दूं कि एक्यूरेसी बहुत बढ़िया है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसे बिल्कुल नहीं लगते। ऐसा नहीं है कि मेरे को इसको रिकमेंड करने के ऊपर पैसे मिल रहे हैं, पर उसकी एक्यूरेसी बहुत बढ़िया है। मैं इतने सालों से उस पर काम कर रहा हूँ और लाइव मार्केट के अंदर आप दूसरे प्लेटफॉर्म पर चेक भी कर सकते हो, सबसे बेस्ट ट्रेडिंग व्यू ही है। और दूसरा क्या है, क्लियरिटी बहुत अच्छी है, इंडिकेटर्स बहुत सारे मिल जाते हैं आपको, जितने भी इंडिकेटर्स की रिक्वायरमेंट है वो सारे वहाँ मिलते हैं, इसलिए बोलता हूँ ट्रेडिंग व्यू का ही यूज़ करिए। अभी चलते हैं चार्ट के ऊपर। ये मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट खोल रखा है, आपको लेफ्ट साइड में नीचे बैंक निफ्टी 15 मिनट का चार्ट दिख रहा होगा, ठीक है, ये 15 मिनट का चार्ट है। अभी इसमें करना क्या है ये देखिए, अभी मैं आपको बता दूँगा। सपोज कीजिए हम ये मान लीजिए हैं कि 15 मिनट की पहली कैंडल, तो हम ये देखते हैं कि 15 मिनट की जहाँ पे एरर है 10:00, ये देखिए नीचे टाइम लिखा हुआ होगा 8 फरवरी 9:15 पहली कैंडल बनी। तो हमने क्या करना है, हम सीधे जाएंगे कहाँ पे, ट्रेंड लाइन के अंदर, और पहली कैंडल कौन सी थी हमारी, ये थी, ये हमारी पहली कैंडल थी, नीचे टाइम लिखा रहा आपको, तो कोई डाउट नहीं है तो देख लेना। और हमने क्या किया, इस कैंडल को एक ऊपर मार्क कर दिया, इसको मैं बड़ी कर देता हूँ जिससे आप लोगों को दिखे, ये जो ग्रीन कैंडल लिख रही है मैं ऊपर मार्क कर दिया, वैसे का वैसे मैंने किया क्या, एक नीचे भी उसी कैंडल को माफ कर देना है। अभी हमने ये मार्क कर दिया, ओके, मार्क करने के अंदर मार्क करने के बाद क्या करना है, हमने चार्ट लगा देता है, ये 9:30 तक ये कैंडल कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हमने चार्ट लगा देना है 5 मिनट का। हम जब आप जहाँ 5 मिनट का चार्ट लगाओगे, तो जैसे ही ये लाइन हमने ड्रॉ की थी जिसके एक लेफ्ट साइड में आपको डबल गोल गोल दिख रहा होगा व्हाइट कलर में, ब्लू कलर में, उसका उसने क्या करा, नीचे का लेवल तोड़ा। जब नीचे का लेवल तोड़ा तो हमने इसी कैंडल, इसी लाइन है जो ग्रीन वाली लाइन है, इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ, इससे कुछ लोगों को समझ आ जाएगा, ये जो मैं ब्लैक कर दी भी, इस लाइन का स्टॉप लॉस लगा के हमने एंट्री लेनी है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करना है, और जब तक नहीं निकलना है, जब तक क्या हो, या तो हमारा कैपिटल दुगना ना हो जाए, या फिर नीचे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं देता हूँ वहाँ पर मार्केट ना पहुँच जाए। ये पहली एंट्री लेने का तरीका था, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। और एक्यूरेसी कैसे बढ़ाएं, तो हमने क्या करना है, सुपर टेन वीवीआईप का यूज़ करना है। ये देखिए सुपर टेन वीवीआईप के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखा है, उसको जाकर देख लेना। यहाँ पे आपको तीन लाइन दिख रही होगी, एक दिख रही रेड कलर में, एक दिख रही ब्लू कलर में, एक दिख रही ब्लैक कलर में, काले कलर में। अब देखिए क्या हुआ, जैसे ही रेड कलर की लाइन ने ब्लैक कलर की लाइन को काटा, ब्लैक कलर की लाइन क्या है, आपका वी वेव है, ध्यान रखना। जब सुपर ट्रेंड क्या करता है, अगर ऊपर से आ रहा है, मार्केट ऊपर से गिर रहा है, तो ब्लैक कलर की लाइन को वो नीचे की तरफ काटेगा। अगर मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है, तो वो क्या करेगा, वी वेव को नीचे से काटेगा, उस वक्त सुपर ट्रेंड का कलर हरा ग्रीन हो जाएगा, हरा हो जाएगा। अगर ऊपर से काटेगा तो रेड हो जाएगा। और जब तक नहीं निकलना है, जब तक सुपर ट्रेंड क्या नहीं हो जाए, बिल्कुल इक्वल नहीं हो जाए। यहाँ पे देखिए सुपर ट्रेंड ने क्या करा, जब तक मार्केट गिर रहा था सुपर ट्रेंड बिल्कुल ऐसे था, और एटलीस्ट 60 डिग्री में, और जैसे ही उसको नहीं बढ़ना था, उसको मार्केट साइडवेज होना था, तो वो कैसे हो गया, 180 डिग्री में बिल्कुल प्लेन हो गया। जब मार्केट ऐसा हो जाए तो आप निकल जाइए, अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। दो कैंडल के अंदर आपका मुंह देखोगे आप हैरान रह जाओगे, यहाँ पे भी आप निकलते हो तो कहाँ पे, 45,284, और आपने एंट्री कहाँ बनती थी, आपकी एंट्री यहाँ बनती थी जब इसने इसको तोड़ा, ब्लैक कलर की लाइन तोड़ा, यहाँ के 45,000 इसका आप ये सोच लीजिए, इसकी ये ओपन कहाँ पे हुई, ये हुई है ओपन, देखिए लेफ्ट साइड ने बैंक निफ्टी नीचे लिखा 45,923। तो हम ये मान लीजिए आपने 45,923 पे एंट्री ना लेके 45,700 पे एंट्री ली, तो 700 पॉइंट का मूव। और ये एग्जांपल मैं कोई आपको रोज़ की एग्जांपल दिखा सकते हैं, रोज मैं इसी सेटअप पे काम करता हूँ, मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, आप लोगों को भी होगा, निश्चिंत रहिए। कोई प्रेड ये स्ट्रेटजी
लोग पेड़ में ही नहीं देंगे, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, प्लीज़ इस पर विश्वास कीजिए, मार्केट में इसको यूज़ करके देखिए। ऐसा ये एक एग्जांपल नहीं है, अगर मैं आपको निफ्टी के अंदर दिखा सकता हूँ, देखिए मैं निफ्टी के अंदर ले जाता हूँ, आप सोच रहे होंगे बैंक निफ्टी में ऐसा होता है, ये देखिए ये चार्ट निफ्टी का आपने साइड में देख लिया होगा, हमने 15 मिनट का चार्ट लगा दिया, लगाने के बाद हमने एक कुछ देर के लिए इंडिकेटर उठा दिया, पहली कैंडल कौन सी है, कोई कैंडल मैंने मार्क नहीं किया है क्योंकि बाद में दुनिया बोल देगी कि मार्क कर रखा था सर आपने पहले से। ये पहली 15 मिनट की कैंडल थी जिस पे मैंने रखा है, उसका लो और हाई ब्रेक कर, उसका लो और हाई क्या कीजिए मार्क कर लीजिए। तो हमने क्या किया, इसका यह यहाँ पे हाई था, हमने ये हाई मार्क कर दिया, इसका हाई टूटा यहाँ पे, इसी कैंडल पे हमारी एंट्री बनती थी और ऊपर देख लीजिए कहाँ का चला गया, और इसमें इंडिकेटर और मिस कर ले तो ये यहाँ पे देखिए जैसे क्या क्या ब्लैक लाइन को ग्रीन लाइन ने काटा, यहाँ ग्रीन लाइन दिख रही होगी आपको, ये जूम करके मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए जैसे ही ब्लैक लाइन को ग्रीन लाइन ने काटा, जब तक ग्रीन लाइन क्या नहीं हो जाती, इक्वल नहीं हो जाती है, यहाँ पे देखिए ग्रीन लाइन क्या होगी, बिल्कुल फ्लैट हो गई, यहाँ पे आपको ये डॉट डॉट दिख रहे हैं, अब ग्रीन लाइन फ्लैट हुई, यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। निफ्टी के अंदर आपको अगर 200 पॉइंट इसकी ओपनिंग क्या थी, इसकी ओपनिंग थी 21,939 और इसका हाई कितना था 22,126, 150 पॉइंट कम हुए, आप 50 पॉइंट ऊपर का हटा लीजिए, 100 पॉइंट का मूव निफ्टी के अंदर, आप बताइए कितना बड़ा प्रॉफिट है। अगर आप, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट है, एक स्ट्रेटजी पे रुको, काम करके देखो, और ज़्यादा एक्यूरेसी बनानी है आप, मैंने जो RSI का वीडियो डाला है उस पर जाओ, उसको देखो, उस पर वो कैसा काम करता है, और ज़्यादा ही आपको बिल्कुल ही आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल उस प्रॉब्लम आ रही है, जो टेलीग्राम चैनल में लिंक दे रहा हूँ उसमें मेरे से कॉन्टैक्ट कर लो, व्हाट्सएप पे मेरे से कॉन्टैक्ट कर लो, जो वीडियो इसके कमेंट में मुझे कमेंट डाल दो, मैं 100% हेल्प करूँगा, मुझे आपकी हेल्प करके आपकी मुझे कुछ नहीं मिलना, सिर्फ मैं दुआ चाहता हूँ, दुआ से ज़्यादा कि मुझे उम्मीद भी नहीं है, भगवान की कृपा से बहुत कुछ है, आपका लॉस रुक जाएगा, मुझे दुआएँ मिल जाएगी, साथ में कुछ जाना नहीं है। दोस्तों मैं जो कह रहा हूँ उस बात को ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूँ, कैसे मैंने पूरा निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर बता दिया, वैसे काम करके देखो, 100% प्रॉफिट होगा, लॉस नहीं होगा, फिर भी कोई दिक्कत आएगी कॉन्टैक्ट करना। अब बात करते हैं, एक सर ने मुझे पूछा था बैंक ने उसका HDFC बैंक का, तो ये HDFC बैंक का मैंने चार्ट खोल दिया, और जब HDFC बैंक का चार्ट खोल दिया तो मैं HDFC बैंक का अभी जो हाल फिलहाल मुझे इसकी कहानी लगी है वो 1390 इसका एक सपोर्ट लग रहा है मुझे, 1390 तक ये जा सकता है, अगर इसको रिबाउंड लेना है तो ये 1420 के ऊपर अगर ट्रेड करने लग जाता है, 1420 के ऊपर ये ट्रेड करने लग जाएगा तो इसके अंदर कुछ बाइंग आ सकती है। जब तक ये 1400 के नीचे हैं तब तक ये वीक है, इसका RSI भी अगर आप चेक करते हो तो मैं दिखा देता हूँ, RSI भी मुझे मजबूत लग नहीं रहा, ये जो चार्ट है ये 15 मिनट का है, मैं 1 मिनट आपको वन डे का चार्ट लगा के दिखा देता हूँ, वन डे के चार्ट के अंदर मुझे ये वीक लग रहा है, 24 का RSI है। तो अभी मेरी आपकी ये सलाह है, वेट करिए, 1365 के आसपास अगर आता है तो वहाँ पोजीशन बनाना, उससे पहले मत बनाना, नहीं तो आपको लॉस हो सकता है, या फिर 1425 के ऊपर निकल जाए तो आप अपना जो भी है पोजीशन बना सकते हो, या आपने पहले से बना रखी है तो एग्जिट करना है तो वहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। तो आपसे ये सलाह है कि प्लीज़ चार्ट को देखिए, अगर कुछ समझ में नहीं आता तो पूछ सकते हो, मैं 100% हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। इसी उम्मीद के साथ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, आप दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करोगे, मिलते हैं अगले वीडियो में, कोई दिक्कत परेशानी हो तो मैंने सब कुछ बता रखा वैसे कर लेना, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पैसे के पीछे मत भागिए, लॉस के पीछे भागिए, पैसा आपके पीछे भागेगा, मेरा वादा है, प्रॉफिट के पीछे मत भागिए, लॉस के पीछे भागिए और प्रॉफिट आपके पीछे भागेगा। इंडिकेटर की सेटिंग कैसे करनी है, कौन से इंडिकेटर यूज़ करने हैं, ये सारे के सारे मैंने आपको लोगों को बता रखा है, उन वीडियो में जाइए देखिए, आपको 100% हेल्प मिलेगी, फिर भी कोई दिक्कत आती है मुझे बताइए, मैं हेल्प करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।